बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाश्ता बनाने लगे और ये नाश्ता शाम के वक्त भी खाया जा सकता है, मेहमानों को सर्व भी किया जा सकता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा आलू जो है वो बॉईल कर लिया था, और ये जनाब मैंने बॉईल आलू के कट पीसेस जो है डाल दिए, इनको हम मैश कर देंगे। इसके मैश करने का कोई भी तरीका है मैं, या तो आप इस मैशर से इस्तेमाल कर लें, और नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको चम्मच से कर लें, छुरी कांटे से कर लें, कैसे भी कर लें। मैंने तो खाली आपको ये डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कर लिया था। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह मैश कीजिएगा, हो सके तो थोड़ा सा इसमें पानी का इजाफा कर लें ताकि आराम से हो जाए। इस आलू मैश होने के बाद जनाब इसके अंदर हम चीज़ें इसमें मिलाते रहेंगे। हम डालेंगे इसके अंदर जी, या तो ऑल पर्पज़ ले सकते हैं जो आम आटा है रोटी का, या आप ले सकते हैं मैदा। मैदा मैंने मैदा इस्तेमाल करूँ ताकि वो ब्राइट दिखता है इसकी वजह से, और आपको नज़र आएगा ज़बरदस्त किस्म का। तो मैंने इसमें एक कप ये जो है मैदा डाल दिया, और जनाब मैदे के बाद हम डालेंगे इसके अंदर, यानी हाफ़ कप मैदा डाला और क्वार्टर कप जो है इसमें आटा, खाने का रोटी का आटा ऑल पर्पज़ जो होता है वो डाल दिया। और इसमें पड़ेगा जनाब सॉल्ट, हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आपके पास भी अपनी आदत डालिएगा, आपकी तबीयत के मुताबिक आप सॉल्ट डालिएगा। अगर आप मिर्चे खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इसमें मिर्चे डालिएगा। सॉल्ट डाल दिया हमने, मिर्ची इसमें डाल दी। हम इसमें चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया के भी ऐड कर देता हूँ, और थोड़ी सी मैं लाल हरी मिर्च भी ऐड कर देता हूँ। और अगर चाहें आपका दिल करे तो ज़रा सी हल्की सी प्याज भी आप डाल सकते हैं। और उनको डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, और इसको इस तरह दबाते भी जाइए ताकि इसमें अगर कोई आलू के पीस मोटा हो तो वो भी इसमें कुचल जाए। उसके बाद जनाब अली इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, ज़ीरा भी डाल देंगे हम थोड़ा सा। ये रोटी है उसकी जो मैं आज सैंडविच बनाने जा रहा हूँ, रोल जो बनाऊँगा उसकी रोटी है ये जनाब अली। रोटी का आटा हमारा जिस तरह पाए बनाते हैं उसी तरह का है, आप उस तरह बना लीजिएगा। इसको चाहे किसी तरह से भी आप इसको चला सकते हैं, मसलन मिक्सर से, या अगर जग में तो भी चला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लाइट चलेगा। इसमें हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके बनाते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा ताकि इसमें कोई आलू का पीस भी बड़ा नहीं रह जाए, और तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें नमक चखिएगा, फिर आपने टेस्ट के मुताबिक उसमें नमक को बैलेंस कर लीजिएगा। अब जनाब हमने चूल्हा ऑन कर दिया है, फ्राई पैन को रख दिया है, और ऑल पर कोई भी आप जो फ्राइंग ऑयल है कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। मैं कम से कम ऑयल इस्तेमाल करूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा इस पर छिड़काव कर दिया है ताकि हमारी चीज़ें चिपके नहीं, और हम सलामी को जो है वो फ्राई कर सकें। मैं इसको फ्राई करने के लिए सलामी याद रहे आज सलामी सलामी को, और उसकी जो चपाती है ब्रेड है वो हम खुद बनाएंगे, और वो आलू की ब्रेड है, आलू आटे की ब्रेड है वो हम खुद बनाएंगे। तकरीबन इस तरह की वजह तमाम फिर तो हम निकालेंगे। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था ताकि
जलेबी पकी माशाल्लाह। नानी को दाल होती हमने प्लेट में निकाल देंगे। मैं इसमें मज़ीद डाल देता हूँ, जब तक वो पकेगी हम दूसरे तरफ तैयारी करेंगे। हल्के तेल तेल के आने जिसमें हो हल्के तेल तेल आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये होते ही इस तरह की शक्ल हो जाएगी, हम इनको निकाल देंगे। सलामी हमारी तैयार हो गई, हम इसको निकाल देते हैं और साइड में कर देते हैं। अब दोबारा जो छोटा फ्राई पैन रख दिया उसमें चंद कतरे ऑयल डाल दिया ताकि चीज़ें जले नहीं और काम सही हो। और इसमें हम शिमला मिर्च फ्राई करूँगा, शिमला मिर्च फ्राई करूँगा थोड़ी। शिमला मिर्च फ्राई होती है थोड़ी सी प्याज, चाय से इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं। ये हो गया काम, इनको हम साइड में रख देंगे फ्राई पैन। अब जनाब उसी छोटे फ्राई में पैन में हमें थोड़ा सा ऑयल, खाने वाला ऑयल, आप चाहे जैतून का इस्तेमाल करें चाहे घी इस्तेमाल करें, हल्का सा डालेंगे और इसको लुब्रिकेट कर देंगे पूरे फ्राई पैन को। लुब्रिकेशन हो गई फ्राई पैन की, उसके बाद जनाब वो फ्राई पैन गर्म होना चाहिए और गर्म होते ही थोड़ी सी में आँच बढ़ा उसको इस्तेमाल करेंगे। ये जब ब्रेड एक तरफ तो हो गई, ये थोड़ा सा फ्राई पैन मेरे लिहाज से थोड़ा सा ये छोटा था, मुझे चाहिए था कि बड़ा लूँ, लेकिन बड़े रोटी के लिए बड़ा था उसको फिर आप पलट दें। ओह माशाल्लाह सब आया थोड़ा। दो चार कतरे हो और इस तरह हिलाते हैं तो ये स्टिक नहीं होगी और रोटी ज़बरदस्त आपकी इसी कलर में आ जाएगी। जब दूसरी तरफ भी रोटी इसी कलर में आ जाए तो आप इसको ये करके देखिएगा, इस तरह करके देखिएगा। अगर दूसरी तरफ भी इसी कलर में आ गई है और अच्छी तरह पक गई है तो हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और मेरा हाल मैं यहीं पर आपके सामने ही इसको सर्व करके दिखा दूँगा। ये मैंने फ्राई पैन पर उसके ऊपर ये रख दिया और रखते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम रख देंगे पेपर। और मैंने किचन रोल इस्तेमाल किया है उसका पेपर टिश्यू, और उस पर मैंने इसके रोटी रोल को रख दिया है। अब जो चीज़ें पड़ेंगी वो आपकी ख्वाहिश पे आपकी ये चॉइस पे है, आप ऑप्शनल है। ये मैंने चीज़ इस्तेमाल की है लिक्विड चीज़ थोड़ी सी, बच्चों को आज के ज़माने की बहुत पसंद है और बड़े भी बास बहुत शौकीन हैं, तो मैंने थोड़ी सी डाली है लिक्विड चीज़। और उसके साथ मैं डालूँगा जनाब ये आलू, थोड़ा सा हॉट सॉस, हॉट सॉस डालूँगा थोड़ा सा हॉट सॉस तो खाऊँगा।
और जनाब इसमें पड़ेगा हॉट सॉस के बाद आप तमाम चीज़ें सलामी। और इसमें पड़ेगा सैलेड, सैलेड सैलेड से पहले हम डालेंगे इसके ऊपर जो मैंने फ्राई की थी शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज और लेकर जना प्याली सलाद जो पसंद हो। सैलड सैलड में भी आपकी चॉइस है, टमाटर आप चाहे टमाटर यूज कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह प्याज जो है बहुत शौकीन है तो आप प्याज भी डाल सकते हैं और जो है ये भी चॉइस है, ऑप्शनल है। और पड़ेगा इसके माइनस दीजिए माशाल्लाह तबारकल्ला आपका पसंदीदा, इसको आप रोल कीजिए ज़बरदस्त किस्म का आलू के साथ आपका रोल तैयार। इसको चाहे तो आप पीसेस में भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, खाने में टेस्टी, देखने में खूबसूरत और ताकतवर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप है ना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। दुआओं में मैं याद रखूँगा। फी अमान अल्लाह।